एक तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत छोटे नहीं लग रहे 22 साल कंप्लीट करने के लिए अपना फाउंडेशन. आई थिंक ही इज डन सम अमेजिंग वर्क विद हिज टीम एंड हिज फैमिली. ऐसे फाउंडेशंस की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे हम एनवायरनमेंट और लोगों को बहुत अवेयर करते हैं अबाउट ऑल थिंग्स रिलेटेड टू पोल्यूशन. ये खुद जाते हैं हर हफ्ते विद अ फ्रेंड और अ सेलिब्रिटी टू हेल्प क्लीन अप. आई थिंक ही हिमसेल्फ इज वेरी एक्टिव विद द मैंग्रोव्स एंड द बीच क्लीनिंग एंड मेनी अदर थिंग्स एंड मेनी सॉन्ग्स एंड वी आर ऑल्सो होपफुली डूइंग वन सून. तो इट्स वेरी नाइस टू बी हियर. उनको बहुत सारा मुबारक देना चाहूँगी मैं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. क्या करते हैं देखने के बाद उसको इग्नोर कर देते हैं जी. एक्चुअली आई थिंक अभी थोड़ा सा कम इग्नोर करने लगे क्योंकि जब पता चल रहा है कि हमारे इर्द गिर्द इतनी मुसीबतें इतनी प्रॉब्लम्स हैं. आई थिंक एवरीबडी इज बिकम मोर अवेयर मोर एक्टिव. होपफुली 2nd अक्टूबर द सिंगल यूज प्लास्टिक विल कम इन टू विल बी बैंड एंड दैट विल बी अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड. वी आर ऑल बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ थिंग्स लाइक सेव आवर ओशन सेव द एनवायरमेंट. और ये बातें करने से ऐसे फाउंडेशन से ही लोगों को और अवेयरनेस मिलेगी. सो वी हैव टू कीप इट गोइंग. वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड make everybody aware. So if you're a singer yourself. Hawa aane de jo millions of view mile hai ye jo song hai ji logo bahut hi pasand aa raha hai ji ji ji. बहुत सारे मैंने इस गाने का लॉन्च भी किया था इनके लिए जी. वही मैं कह रही हूँ ना. आई थिंक म्यूजिक इज ऑलवेज अ रियली गुड वे टू गेट अ पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस. हमेशा से वेस्ट में भी व्हेन इट कम्स टू सॉन्ग्स लाइक वी आर द वर्ल्ड व्हेन इट केम टू इथियोपिया एंड मेनी अदर इश्यूज सॉन्ग्स गेट अक्रॉस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. तो अगर म्यूजिक के जरिए हम लोग को अवेयर कर सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात है. यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आई थिंक बॉम्बे में आके एक्टर बन के मैं हमेशा बोला कि अगर हम लोगों को कुछ और भी एज एक्टर्स हम कर पाएँ गिव बैक टू द सोसाइटी. एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि बामला फाउंडेशन से मेरा एसोसिएशन हुआ बिकॉज हम आई थिंक अब 4-5 साल हो गए मुझे बामला जी के साथ काम करते हुए विद दिस फाउंडेशन. अभी तक वी बीन वर्किंग मेनली विद द किड्स एंड आई थिंक नाउ इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हम अपने धरती को बचाएं हम अपनी अर्थ को बचाएं. तो आई एम ग्लैड कि यू नो इट्स गोइंग सो वेल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम क्योंकि 22 साल गिविंग बैक टू द सोसाइटी आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट. इट जस्ट शोज कि हम कितने सेल्फलेस हैं. जी क्या देखते हैं जो पॉल्यूशन देखते हैं आई थिंक टेक यही है कि आई थिंक हमारे देश में देश की नहीं मैं आई थिंक पूरी दुनिया की बात करूँगी एजुकेशन अभी भी एक है जो समस्या है. एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि स्कूल भेजो सबको. एजुकेशन से मतलब ये कि एज अ गवर्नमेंट एज हम लोग जो सोसाइटी के जो लोग हैं जिन्हें सच में केयर है हमें सबको एजुकेट करना ज़रूरी है कि पोल्यूशन कितना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं. जैसे अब मैं प्लास्टिक की बात कर रही हूँ एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा. मैंने थोड़े टाइम पहले अपने सिपर के साथ पिक्चर डाली थी और मगर ट्रोलर्स की तो आदत है उन्हें कुछ पता होता नहीं है वो ट्रोल करने लगते हैं. बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बुरा है हमारे धरती के लिए नॉट द नॉर्मल प्लास्टिक. इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी बैन कर देंगे बट सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ जो हम रीयूज़ नहीं कर पाते और हम उसे रिसाइकल नहीं कर पाते. तो आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. आई थिंक आजकल बच्चों को ये जानना ज़रूरी है. अपना फ़ोन छोड़िए अपना पबजी छोड़िए एंड आई थिंक दुनिया के बारे में थोड़ा जानिए और बस. थैंक यू. मैं भी
अरे We are both singers, the top influencers here, and I'm in between. Both top influencers of and for the plastic pollution. All for plastic. Thank you. Thanks. Kanika ji and Karma ji, you know ki 22 year celebration ka mauka hai, logon ne bahut hi appreciate kiya hai Bhavna Foundation ko, and dusri baat ye ki hawa aane do isse ye gana jo millions of view mila jise ki aap logon ne gaya hai feature kiya, so kya kuch kehna chahenge foundation ko lekar in gaane par? मैं बहुत ही खुश हूँ कि आसिफ सर इतना अमेजिंग काम करते हैं एंड हम सबको इसका एक हिस्सा बनाते हैं. एक्चुअली मैं बहुत ही दुखी हूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है हमारे कंट्री में, इट्स नॉट अप टू द मार्क. एंड स्पेशली हम लोग दोनों सिंगर्स हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर अस बीइंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गुड वेदर सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर लंग्स आर ब्रीदिंग दिस बैड एयर. एंड मैं जब बाहर देश जाता हूँ और वापस आता हूँ, ऐसा लगता है मैं सांस लेके आया हूँ. Yeah. So it's a little sad the situation here, and I hope that with all the efforts of Asif sir and all the important foundations, हम लोग एक तरीका निकाले that we can eradicate this problem. I thank you so much कि आपने फिल्मों के लिए, गाने के लिए कई बार बहुत सारे अवार्ड और प्रशंसा मिली होगी, लेकिन ये पहली बार है कि पर्यावरण के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यूनाइटेड नेशन सारा मिलकर जो है उन्होंने जो सहयोग किया, इसके लिए इन्हें आज दोनों को ग्रीन क्रिसेंट. और मुझे बड़ा गर्व है कि दोनों वेरी स्मार्ट एंड वेरी वेरी गुड लुकिंग यंग पीपल आर हियर फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री आर बीइंग अवार्डेड एज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स फॉर एनवायरनमेंट. थैंक यू कनिका जी. फ्यू लाइंस अगर आप लोग हवा आने देखो, अगर फ्यू लाइंस अगर आप गुनगुना सके तो हमें अच्छा विश्वास. मुझे तो सिर्फ टिक टिक आता है. या बहुत 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 इनसे टिक टिक प्लास्टिक के बारे में बात करें, क्योंकि ये दोनों टिक टिक प्लास्टिक के. आई वाज पार्ट ऑफ द बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो एक कैंपेन था, इवन यू वर पार्ट ऑफ दैट. सो तो वो आता है मुझे गाना. कम ऑन गाओ क्या? टिक 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 कसम मैंने खाई है. टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए. क्या बात है. हेलो कनिका जी, सर यहां पर एक रिसोर्स कर. हाय क्या कर रहे हो आप? भी कनिका जी पीछे रिसोर्स थोड़ा सा क्लोज. मिशन मतलब कैसा है ये? हां वो रिसोर्स वो ले लेते हैं. कनिका जी और सर लेफ्ट हेलो हेलो करिश्मा जी, 22 ईयर का सेलिब्रेशन का मौका है, फाउंडेशन को लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और ये जो हवा आने दे गाना है, दूसरा सवाल ये है ये भी लोगों ने मिलियंस ऑफ व्यू है, तो क्या आई थिंक आसिफ जी ऑलवेज डज समथिंग सो गुड फॉर अस फॉर द एनवायरनमेंट सबके लिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ हैं टू सेलिब्रेट 22 ईयर्स ऑफ ऑल हिज गुड एंडेवर्स. मैंने भी पार्टिसिपेट किया है उनके यू नो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कॉजेज़ के लिए, तो आई वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ही रियली डज अ लॉट
in every field, whether it is, you know, underprivileged children or our environment, or like you're saying, this song now. So we're all here to celebrate, and we hope he continues working like this. And everyone in their own way should help and contribute. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम अपने जो नए जेनरेशन है हमारे बच्चों के लिए वी वॉन्ट क्लीन एयर क्लीन वाटर एंड अ वंडरफुली क्लीन एनवायरमेंट फॉर देम तो एज सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इन आर ओन वे हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए इन आर ओन स्मॉल वे इन आर कम्युनिटी एवरी सब लोग बिजी है बट वेदर इट इज़ इन आर कम्युनिटी और on a larger scale, we must all, and then the change will be seen. Yes, thank you. सलन कम एक मिनट इधर इधर भाई भाई एक फोटो आई कम सलन वेट वेट फाइन क्या है लेट्स हैव अ पिक्चर सॉरी सर हां आशीष आप भी आइए फोटो पहले थैंक यू या हेलो इनको पहले इनका बाइट ले लीजिए फिर मैं यू नो 22 इयर्स का सेलिब्रेशन का मौका है हम लोगों ने लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया आप यहाँ प्रेजेंट हो तो इसमें सॉन्ग भी है आप यहाँ प्रेजेंट हो क्या कुछ लुक सेंटर रखना ये ना मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं भामला फाउंडेशन के 22 इयर्स कंप्लीट होने पे और हवा आने दे की सक्सेस के इस महफिल में मैं भी आई हूँ मैं भी शामिल हूँ और मैं भी इस कैंपेन का एक हिस्सा हूँ मिस्टर आसिफ भामला को मैं बहुत सालों से जानती हूँ मगर बहुत ऐसे कम लोग हैं जो यू नो जिनके पास हमारे देश में काफ़ी लोगों के पास पैसा भी होता है नेटवर्किंग भी होता है बट बहुत कम लोग हैं जो वक्त दे पाते हैं कुछ ऐसे कॉजेज़ के लिए जो हमारे पर्यावरण से जुड़े हैं जो हमारे फ्यूचर के भला के लिए होते हैं सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वंडरफुल इवनिंग एंड मीडिया फॉर सपोर्टिंग दिस वंडरफुल कॉज सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं इको बापा मोरिया गणपति बापा मोरिया यही मेरी प्रार्थना रही है इस गणेश चतुर्थी से लेकर आने वाले सारे फेस्टिवल्स मैं चाहती हूँ कि हम प्लास्टर ऑफ पैरिस आइडल्स को इस्तेमाल ना करें और सिर्फ शाडू माती या इको फ्रेंडली तरीके से हमारे फेस्टिवल्स को मनाएं इंक्लूडिंग द डेकोरेशंस शुड नॉट बी प्लास्टिक और थर्मोकॉल आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू बी प्रेजेंटेड विद एन अवार्ड फॉर इको बापा मोरिया दिस इवनिंग भामला फाउंडेशन हैज कंप्लीटेड 22nd ईयर they are also felicitating me with an award for my contribution it's a very small contribution but it will become big only when I have the support of more and more people being aware for this cause yahan par karenge yahan par pehle ek baar naam
क्या बात है यू पर्यावरण को लेके जो गाना बना है आपसे भी जानना चाहेंगे 22 ईयर का सेलिब्रेशन का मौका है सो आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे इन्वॉल्वमेंट को और सेफ किया जा सके जैसे कि आपकी भावना जी इसकी 22 साल से इसकी जिम्मेदारी है Sir, पहले It's a very good effort. We must take care of our nature, and we do everything for that. And I must appreciate this effort they are doing. I really say thanks to them that they are taking care of environment, nature. That is the life, basically. तो इट्स अ ग्रेट ऑनर ऑनेस्टली जैसे आसिफ भाई ने बोला और तो मुझे लगता है दिस वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कुड हैपन एंड वी वांट आस्क वन मोर क्वेश्चन सो टू बी एसोसिएटेड इट्स ग्रेट एंड सॉन्ग एज यू सेड व्हिच मींस अ लॉट हैज कम आउट इन रियली वेल सो एंड अक्षय भाई एंड यू सॉ ऑल द सेलिब्रिटीज देयर इट्स गुड टू हैव सच इनिशिएटिव टेकन बाय बमला फाउंडेशन एंड Great to be a part of it, and another couple of songs are coming out, so it's going to be fun to be a part of that. And you know, cricket ki ek baat karna chahenge. Indian cricket team is samay bahut hi acha kar rahi hai test mein. So aap जैसे खेल रहे कैसे खेलते रहो और वर्ल्ड कप जीते हम दो टेस्ट चैम्पियनशिप भी 2021 में लॉर्ड्स में जीतना चाहिए और विराट कैन डू इट एंड मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हमारी टीम है और वो दे विल डू इट एंड श्योरली दे विल विन द टेस्ट चैम्पियनशिप कप एक साल के बाद तो पूरे ट्रेनिंग उसमें है बिग बॉस अगर देखने के टाइम मिलेंगे तो देखेंगे बिग बॉस से बहुत अच्छा यू नो एक्सपीरियंस मिला है और उसको मैं चेरिश करना चाहूँगा मगर इस साल पता नहीं कितने बार देख पाऊँगा मगर मैं कोशिश करूँगा कि स्पेशली केरला में बारिश वगैरह होता है तो प्रैक्टिस शाम को होता है तो बिग बॉस को ऑल द बेस्ट एंड ऑल द कंटेस्टेंट को भी ऑल द बेस्ट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस हैव फन बट मी आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट थैंक यू
एंटर करने की इच्छा रखते हैं, हमने आपका स्टेटमेंट करा, इच्छा नहीं करके दिखाएंगे जी हमारे, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, अगले साल रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपसे मीडिया वाले जिसने हम मुझे इतना सपोर्ट दिया था, प्लीज सपोर्ट करो, और मेरा कनाडा मूवी रिलीज हुआ है, अच्छा कर रहा है, तो ये भी बोल सकते हैं, और धूम अगेन शूटिंग शुरू हो रहा है अगले महीने इनफैक्ट, सो या सॉरी दिस सितंबर 1st, सो दिस मंथ, सो प्लीज डू विश मी लक एंड सपोर्ट, थैंक यू। जब हम लोग स्कूल में थे, आठ घंटे में बहुत कुछ सीखे थे, तो अभी तो 24 घंटे है, तो वी कैन ऑलवेज डू टाइम मैनेजमेंट, तो गॉड्स बीइंग काइंड, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। हिंदी में बोले इंग्लिश में, आज की शाम मुंबई के इस ताज लैंड्स होटल में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ कि इसकी महत्वता न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र तक ही सीमित है, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा संदेश, हम सब यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, छोटे बड़े कलाकार राजनेता सभी एक साथ जब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो सकता है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक कैसा एक वातावरण छोड़ के जाएंगे, इन सवालों के जवाब में कि हम दरख्तों को कैसे बचाएं, पेड़ों को कैसे बचाएं, एक पेड़ को अगर काटा जाता है या गिराया जाता है तो आज के दौर में एक ज़िंदगी ख़त्म होती है, ये समझने की आवश्यकता है, हमें पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए, हमें हवा को प्रदूषण से बचाना चाहिए, हमें पानी को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये हम सब के कर्तव्य है, छोटे से बड़ा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें अपना योगदान दे सकता है। मैं बाल मामला फाउंडेशन को इस बात बारे में बहुत बहुत उसका अभिनंदन करूँगा कि एक अच्छी कोशिश है, और सिर्फ आज ही इस कार्यक्रम के बाद हम इसे भूल ना जाएं, इसे हम रोज़ाना की आदत बना लें कि हम प्रदूषण का के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे, और सफाई और दरख्तों की हवाओं की सफाई के बारे में हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को कहीं नुकसान पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद। It was a great evening today because the message that we through Mamla Foundation have carried from small to big people, artists, film actors, politicians, eminent personalities, bankers, who were all present here for this small occasion, they have all collectively in a chorus sent a message across, not just to Mumbaikar alone or not just to Maharashtran alone. This is a message for the whole of the country from Kashmir to Kanyakumari. We propose to remind everyone that we have to live for our posterity, for our younger generation. We have to leave a cleaner atmosphere, a cleaner life, a better life, healthier life. Every tree is important, and if one tree is felled or if one tree is cut, one life goes away. So I think we should all bear in mind, no plastic, no nothing to be done which can violate our purity of atmosphere, our air, our water, and therefore our health. I congratulate Mamla Foundation and all those who participated in this small effort, but I'm sure this is going to go a long way. Thank you very much. Jai Hind. Good morning.
गाइड करते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब भी हम लोग कोई भी छोटा मोटा कोई एफर्ट करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज आज ये बड़ा ज़रूरी मुद्दा है और जो भी हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत, और आसिफ भाई हमसे करवाते हैं, एक्चुअली हमें गाइड करते हैं, तो अच्छी बात है, लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये कितना ज़रूरी है, तो अच्छा लगता है किसी अच्छे कॉज के साथ जब आप जुड़ते हैं। मेरे सारे सपने पूरे कर रहे हैं ये आसिफ भाई। तो गाना भी गाया जी हाँ, वो एक्चुअली शान सर ने गाया है, तो मैंने भी शान भी आएगा उनको भी बुला लो। शान पाजी, अरे भाई कैसे, कम ये मेन सिंगर तो यही है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तो शान सर ने थोड़ा सा एक आध लाइन मुझसे भी गवाई है, नदीम थोड़ा पीछे, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है। तो शान भाई ने वो गाना गाया और आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड फिनाले मुझे ये मौका मिला। सो शान भाई ने मुझे गवा दिया, दो लाइनें मैंने गा दी उसमें, सो बहुत लोगों ने देखा उसको, बहुत अच्छे व्यूज मिले हैं और वी आर हैप्पी, मिलियंस ऑफ व्यूज एंड स्टिल गोइंग, वी आर काउंटिंग ऑन दैट। शान क्या कहना चाहेंगे, तो इतनी इतना अच्छा रिस्पांस है, नहीं बिल्कुल, और टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू, मतलब कपिल शर्मा डेब्यूइंग एज अ सिंगर, दो लाइन ही सही, लेकिन हम बामला फाउंडेशन के लिए और इस कॉज के लिए खास उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना वक्त दिया, एंड ही सच सच पॉपुलर इन्फ्लुएंसर आज, जो यूथ से लेकर मतलब 6 से लेकर 60 तक हर कोई यू नो लव सो मच, 70 वाले भी का, नहीं 70 वाले भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 60 तो अभी भी जवान है वैसे। हाँ, आगे हम देखेंगे और कुछ ऐसे कुछ सोशल कॉज रहेंगे और जो ऑलवेज देयर, नहीं अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो उनके हमेशा सारे मैसेजेस कहीं ना कहीं ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग सोशल पॉइंट, बिल्कुल हम फॉलो करता हूं और जो भी वो कहते हैं। जी जी, और हम लोग कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें, क्योंकि हमारा थोड़ा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन होता है, अगर लाखों लोग उसको देखते हैं आप लोगों के जरिए, तो एक एक अच्छा मैसेज जाता है लोगों को और मुझे लगता है और भी लोग जुड़ेंगे इस क्लास के साथ। हेलो, डिसअपीयरिंग, अभी सारे कैमरास तो आपके कनिका के ऊपर होंगे, तो हम जा सकते हैं। कपिल, कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है, मतलब जब मैं आपकी बात करूँ सबसे मसरूफ शख्सियत होंगी मेरे घर, सर अच्छा लगता है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई हमें, हम अगर कोई छोटा सा एफर्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए और ये बात हमें भी पता है कि आप लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और इसके जरिए अगर लोगों तक ये बात पहुँचती है और लोग भी इस काम में आगे आएँ, तो अच्छा लगता है कि हम लोगों ने एक शुरुआत की है। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू आसिफ भाई कि भामला फाउंडेशन के जरिए हम लोगों ने एक छोटा सा एफर्ट किया, हम सब ने गाना गाया और उसमें उसका वीडियो भी शूट किया और आज उसको अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, अच्छा लगता है। चिट्टियां कलाइयां वे, एक्चुअली अब अगली बार ये तो मेरे सॉन्ग है, प्रोजेक्ट बट कनिका वाज विद अस इन द टिक टिक प्लास्टिक प्रोजेक्ट, तो विद कनिका एंड कपिल हियर, तो वी कवर्ड बोथ द इयर्स इन फैक्ट ऑफ बामला फाउंडेशन, तो गाना तो ऐसे थोड़ा सा बुलाई देते हैं जो अभी का जो गाना बना है, थोड़ी हवा आने दे ताजी, हवा आने दे ताजी, हवा आने दे क्या बात है, ओके लिरिक्स आल्सो, ओके आसिफ जी आपसे जानना चाहूंगा ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ढूंढे से अब इतने योद्धाओं के बाद मेरा नंबर कम लग रहा है, ढूंढे से नहीं मिल पाते हैं कपिल या शान की बात करें, जितने भी दिग्गज हैं इन्हें कैसे मैनेज कर लेते हैं आप, सही मन से ढूंढिए, काम के लिए ढूंढिए, ये बिल्कुल मिल जाएंगे। कपिल जी इतने बिजी शेड्यूल में थे अपने शूट्स के दौरान, उनका एक पर्यावरण का विषय है आसिफ जी, और मुझे पता है कि पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए, और ये अच्छी बात है आज देश के प्रधानमंत्री जी भी 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, अगर आपको पता है, तो हर शख्स इसकी बात कर रहा है लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो ये फिल्म का जो गाना है अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड वर्क हर वीक चलता है, बीच क्लीनिंग हो, अपने मैंग्रोव का क्लीनिंग हो, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज हो, ये सब जो काम है उसके लिए एक अलग टीम है, लेकिन ये जो आउटरीच है, आज कपिल शर्मा कुछ कहता है तो एक स्टेटमेंट बन जाता है,
शान अगर कोई चीज़ कहते हैं तो उनके चाहने वाले जो है उस बात पर अमल करते हैं, और ज्ञान से वैसे भी लोग बोर हो गए हैं, लोग अभी ज्ञान से बोर हो गए, तो संगीत से के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं और उसका एक इफेक्ट, एक उसका आउटरीच इतना बढ़ गया कि आई एम सो ग्रेटफुल कपिल जी एंड शान जी एंड कनिका जी, कनिका जी ने पेड़ों की बात हो रही है तो जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ पे फिर पेड़ काटने की भी बात आती है, तो ये दोनों का तालमेल कैसे बनेगा? मुंबई जैसा शहर जहाँ पे इस समय मेट्रो डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उस समय आर्य कॉलोनी में जैसे पेड़ काटे, तो कैसे सामंजस्य बिठाएं इन चीज़ों का, कैसे तालमेल बनाएं? कनिका आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मुझे ये लगता है, देखिए दोनों चीज़ें जो मैंने भी न्यूज़ में ही देखा है कि जो पेड़ कट रहे हैं मेट्रो की वजह से जो काटने पड़ रहे हैं, सो आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत समझदार है, वो सोच समझ के कोई डिसीजन लेंगे, बिकॉज क्योंकि मेट्रो भी ज़रूरी है बनाना और पेड़ों को बचाते हुए कैसे वो इस यू नो इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, सो ये उनके ऊपर है, इसीलिए तो हमने चुन के उनको बिठाया है, अगर ये डिसीजन हमें लेना तो फिर हमें पर नहीं यार, उन्हें सीरियस नोट है, और इस पर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी मतलब सवाल विवाद चल रहा है, लेकिन अब तक हमें कोई ये बात नहीं बता रहा कि इसकी ऑल्टरनेट शेड कहाँ बन सकती है, उसका बीच का कोई रास्ता निकला तो देन हम सब वो उस बात को लेकर और वर्क कर सकते हैं कि नहीं मेट्रो को यहाँ मत बनाएं, ये वहाँ कीजिए, लेकिन वो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और लोग बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो मैं भी जरा कंफ्यूज हूँ कि अगर कोई सही सोल्यूशन है विजय जी, डेफिनेटली हम भी नहीं चाहेंगे कि पेड़ कटे, और कटना नहीं नहीं चाहिए, 25,000 पेड़ काटना 25,000 पेड़ है, अच्छा मैंने तो न्यूज़ में पढ़ा 2700 सर, किसी को गवाना हो तो मैं अपना नंबर दे जाता हूँ, मुझे ऐसा हम लोग आपस में तो साथ में गाते हैं, तो और बेसिकली उस प्लास्टिक की बात आज ही थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो दो लाइन मिलकर मुंबई आए थोड़ा घुमरा रहे थे, प्लीज सर एक बार यहाँ फोटो दे दीजिए, मेरा सोलो का ही ले लीजिए फिर, अभी अलग बात है, ये एंटरटेनमेंट है, इसके लिए लोग अंदर से ये खत्म
अर्जुन बाग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये डिबेट को पूरे दुनिया भर में चला है बट इसके बीच का रास्ता निकालना ये अपनी खासियत है मुझे लगता है मुंबई में महाराष्ट्र में और अपने देश में ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है मैं अभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करूँगा लेकिन उज्ज्वला गैस सप्लाई करना इसका मतलब है तो उस घर में जाकर कोयला जल रहा था लकड़ा जल रहा था कार्बन यूज हो रहा था वहाँ गैस पहुँच गया इसका मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में चल रहे मुझे लगता है उस दिशा में सही है